बड़े प्रेम के हुए कुंती माता गोविंद से प्रार्थना कर रही है कि हे भगवान कि अगर दुख मिल जाए तो इससे अच्छा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अगर मुझे देना है तो दुख ही दुख दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। कि जब तक मेरा जीवन है, जब तक मेरी सांस में सांस है, तब तक प्रभु मेरे ऊपर विपत्ति के ऊपर विपत्ति आती रहेगी, कि एक विपत्ति पूरी टरे नहीं कि दूसरी विपत्ति आ जाए। विपदा संतुन शश्वत जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत्तया पुनर्भव दर्शनम। के प्रभु कि अगर विपत्ति आती रहेगी तो मुझे आपके दर्शन होते रहेंगे, वह दृश्य मेरे मन को मोहित कर देता है। जब आप मेरी विपदाओं को हरते हैं प्रभु, मेरे गोविंद गोविंद, इस प्रकार से कुंती मैया ने जब जब दिव्य भावना को प्रकट की प्रभु के समक्ष, तो भगवान गदगद हो गए और प्रसन्न होकर के बोले कि बुआ, यही यदि इतना आपका प्रेम है तो अब हम द्वारिका जाते हैं। कि अगर आप मुझसे इतना ही प्रेम करते हो तो अब मैं द्वारिका नहीं जाता हूं। के गुंतिमान और भगवान ने तुरंत द्वारिका की यात्रा को स्थगित कर दिया। कुंती बुआ के साथ उनके भवन में प्रविष्ट हो गए। कुंती मैया ने ऐसी चीज मांगी जो भगवान के पास थी ही नहीं, बोले बाल कृष्ण लाल की, ऐसी चीज मांगी जो भगवान के पास भी नहीं थी, और वो क्या थी? दुख। भगवान के पास बांटने के लिए दुख भी नहीं था। तो भगवान तो आनंद सिंधु सुख राशि है, सच्चिदानंद सत्चित आनंद ताप त्रय विनाशाय, जो तीनों प्रकार के तापों का नाश स्वयं करने वाले हैं, वो दुख कैसे दे सकते हैं? जो साक्षात सच्चिदानंद है वह दुख देना भी चाहे तो भी दुख नहीं दे सकते। बोले राधे कृष्ण, क्योंकि भगवान के पास देना संभव नहीं था, भगवान को देना संभव नहीं हुआ, इसलिए भगवान ने स्वयं को ही दे दिया, अपने आप को ही दे दिया। कुछ देने के लिए था नहीं और मांगने के लिए कह दिया, और कुंती ने कह दिया कि मुझे दुख दे दो ताकि आप सदैव मेरे पास रहो, और भगवान ने जाना स्थगित कर दिया, अपने आप को ही बुआ को दे दिया कि हम आपके साथ ही चलते हैं। पांडवों में आनंद की लहर छा गई। चलते चलते प्रभु को बुआ के प्रेम ने रोक लिया और भवन में आए। बड़ी खुशी का खुशी की वह बेला, पूरे राज्य में खुशियों के ढोल बजने लगे। पर एक दिन प्रभु ने देखा कि युधिष्ठिर जी महाराज थोड़े से चिंतित हैं। जाकर के पूछ लिया, बहुत परेशान दिखाई दे रहे थे, तो गोविंद ने जाकर के पूछा कि क्या बात है भैया? कि समस्त शत्रुओं को संहार करके पराभव करके आज सम्राट की पदवी पर तुम बैठे हो और फिर दुखी हो? युधिष्ठिर ने दोनों हाथ जोड़ करके कहा कि हे कृष्ण, क्या आप किस युद्ध की बात कर रहे हैं? उस युद्ध में जो भी मरे हैं वो मेरे सगे ही थे, मेरी कई माताओं के पुत्र उस युद्ध में नहीं रहे, मेरी कई ऐसी बहनें हैं जो विधवा हो गई, हजारों लाखों ऐसे बच्चे हैं जो अनाथ हो गए, और वो जिन्होंने हमको उंगली पकड़ करके चलना सिखाया भीष्म पितामह, वो बाणों की शैया के ऊपर अभी भी उसी रण पे पड़े हैं।
तो मैं कैसे खुश होकर के इस गद्दी पर बैठ सकता हूं? अब भगवान कृष्ण जी समझ गए कि मैं समझाऊंगा तो समझेगा नहीं, क्योंकि युधिष्ठिर ने कभी भगवान को पहचाना ही नहीं। युधिष्ठिर तो केवल यही समझते थे कि हमारे भाई हैं। युधिष्ठिर ने ये कभी नहीं समझा कि ये गोविंद माधव है, सच्चिदानंद भगवान, परम पिता परमेश्वर। समस्त पांडव भगवान कृष्ण ने समस्त पांडव परिकर को लेकर के प्रभु भीष्म पितामह जहां पर थे वहां के लिए चली गई। भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेते हैं और जैसे ही पांडवों ने आकर के प्रणाम किया, नेत्र खोल करके देखा, शरीर का हिलना डोलना भी संभव नहीं है। असहाय पीड़ा, अनन्य तीरों ने जिनका शरीर का भेदन कर दिया हो, जब किसी को एक कांटा चुभ जाता है तो कितनी पीड़ा होती है। और भीष्म पितामह तो वानों की शैया के ऊपर थे, कोई अंग उनका शरीर का रिक्त नहीं था, खाली नहीं था, जहां पर उनको वान नहीं लगा था। और भीष्म पितामह ने देखिए पूरा युद्ध देखा, और भीष्म पितामह अभी तक क्यों क्यों उन्होंने प्राण नहीं त्यागे, क्योंकि भीष्म पितामह को स्वेच्छा से मरने का वरदान प्राप्त था कि जब तुम चाहोगे तभी तुम्हारा प्राण हो जाए। बोले ठाकुर जी महाराज जी की जैसे ही वहां पहुंचे युधिष्ठिर के साथ भगवान कृष्ण, और जैसे ही भीष्म पितामह ने नजर उठा करके देखा तो भगवान तुरंत सामने आ गए। बोले कहिए दादा जी। तो भीष्म पितामह ने अर्जुन से प्रश्न किया कि अरे पुत्र अर्जुन, क्या तुम इनको पहचानते हो? अर्जुन बोले हाँ दादाजी। भीष्म पितामह ने कहा कौन है ये तो बताओ जरा मुझे, तुम्हें इतना समय इनके साथ रहते हो गया है कि तुम इनके बारे में जानते क्या हो, कौन है? तो अर्जुन बोले हमारे मामा वसुदेव जी के पुत्र हैं, आप नहीं जानते? पिता भीष्म हंसने लगे, वाह वाह अर्जुन, कभी तो तुम मामा का लड़का बताते हो और कभी अपना सचिव बना लेते हो, कभी अपना दूत बना करके भेज देते हो, कभी परामर्श लेने के लिए सलाहकार बना लेते हो, कभी सारथी बना लेते हो, कभी संदेश वाहक बनाकर बना डालते हो, और कभी गुरुजी बना करके गीता का उपदेश इनसे लेते हो, और सारथी बना करके इनके हाथ में लगाम भी आप थमा देते हो, कितने नाते हैं तुम्हारे। यम मन्यसे मातुलेयम् प्रियम् मित्रम् सुहृतम् अकरो सचिवम् दूतम् कि धन्य है प्रभु आपके प्रेमी जो बता जो बनाते हैं, कि आपके प्रेमी जो आपको बनाते हैं आप वही बन जाते हैं। भगवान सेवक बनने की भी तैयारी आ रही है, भगवान की सेवक बनने की तैयारी आ रही है। तो भीष्म पितामह स्मरण कर रहे हैं कि अर्जुन तुम्हें इन्हें क्या क्या नहीं बताया, कि तुमने इन्हें क्या क्या बात नहीं बताई है। तो भगवान की और इशारा करते हुए भीष्म पितामह कहते हैं कि प्रभु एक मेरी अंतिम इच्छा है कि मुझ दास की अगर आप पूरी कर दो तो मैं कृतार्थ हो जाऊं, मैं धन्य हो जाऊं प्रभु, कि ये देह वानों की शैया पर आपके दर्शन की प्रतीक्षा में इसलिए पड़ा था कि जब तक आप नहीं पधारेंगे तब तक मैं जाने वाला नहीं, प्रतीक्षा करवाकर आप आए हो तो थोड़ी सी प्रतीक्षा मैं भी आपको करवाना चाहता हूं। कि आपने भी मेरी बड़ी प्रतीक्षा करवाई है, मेरी यही इच्छा थी कि मैं आप के दर्शन करके ही प्राणों को त्यागूं।
अब गोविंद ने सोच लिया पता नहीं क्या बता देंगे भीष्म पितामह, वैसे ही प्राण निकलने वाले हैं, पता नहीं किस जंजाल में फंसा देंगे मुझे। भगवान कृष्ण ने बोला, बोलिए क्या है? बोला कि मैं यही चाहता हूँ कि जब तक मैं ना चला जाऊं तब तक आप ऐसे ही खड़े रहे। बोले बाल कृष्ण लाल की। और भगवान कृष्ण ने सोच लिया, हाय राम, ये तो फंस गया, इनको तो मृत्यु इच्छा से मरने, इनको तो स्वइच्छा से मरने का वरदान प्राप्त है, मुझे मुझे खड़ा कर रहे हैं और मरे ही नहीं, तो मैं तो खड़ा का खड़ा रह गया। पिता महाभीष्म ने कहा, सुनिए महाराज, ये लटका हुआ चेहरा देखने के लिए थोड़े ही खड़ा किया मैंने आपको, आपने तो मुंह लटका लिया, मैंने कोई बड़ी भयंकर ड्यूटी नहीं दे दी आपको, आपका मुंह तो लटक गया गोविंद, जब तक खड़े हैं आप मुस्कुराते रहिए, मैं तो आपके इस भव्य मुस्कान को देखने के लिए ही अभी तक जीवित हूँ, आपकी मुस्कान से अद्भुत चमत्कार हो रहे हैं। लखीजिनलाल की मुस्कान तीन ही विसरी वेद विद सब योग संयम मर गया, नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान रसिद भगवद दुर्गदई असी ए जी के मुख म्या। कि भगवान की मुस्कान जिसने एक बार भी देख ली, कि मानव के जीवन में शोकासार है वह सब सुख जाते हैं, सब दुख दूर हो जाते हैं। बड़े प्रेम पूर्वक भगवान गोविंद को भी भीष्म पितामह ने स्तुति की, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सह स्त्री धर्मानाम भगतत्थ रमान समसाव्यास योगतः। समस्त धर्मों का बृहत व्याख्यान किया, दान धर्म राज धर्म का, मोक्ष धर्म का, स्त्री धर्म का और भगवत मान का, भगवत पूजन का, भगवत कीर्तन का। भीष्म पितामह ने एकाधिक श्लोकों से भगवत की स्तुति प्रारंभ कर दी। पुष्पित आगरा छंद में भगवान ने स्तुति कर रहे हैं और बाबा भीष्म विचार करने लगे कि प्रभु के चरणों में पुष्प चढ़ाने के लिए कहां से जाऊं, तो अपने वचन के ही सुमन पुष्पितागिरा छंद में अर्पित कर दिया। भीष्म पितामह ने सोचा कि गोविंद को चढ़ाने के लिए मेरे पास पुष्प भी नहीं है और अगर होते भी तो इस शैया से उठ करके मैं चलने का सामर्थ्य नहीं रखता, इसलिए अपने मन में भाव बना करके भगवान को पुष्पितागिरा छंद में भगवान की स्तुति की। इति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पंगवे विदुमिना स्वसुख मुपगते क्वचिद हतो प्रकृति सुखे युषी यद्भव प्रवाह। तो भगवान के द्वारा मंद मंद मुस्कुराना, तिरछी चितवन की गोपियों के चित्त को चुराना, मंद मंद गति से धुमका मार करके चलना और नाचना, समस्त एक एक चेष्टाओं के द्वारा गोपियों के चित्त को चुराने वाले प्रभु का ध्यान कर रहे हैं मेरे गोविंद। सबके हृदय में हरि का दर्शन करते हैं,
पितामह भीष्म ने पांच बौद्धिक देह त्यागने से पहले मेरे गोविंद का स्मरण किया, उनकी बड़ी मीठी स्तुति की और कहा कि गोविंद कि जो तेरा नाम नहीं लेता इस जीवा से, उसकी जीवा किसी काम की नहीं है, उसकी जीवा जल जानी चाहिए, उसकी जीवा कट जानी चाहिए। खुजर जाए जीवा पापनी राम के बिना है, खुजर जाए जीवा पापनी राम के बिना, जर जाए जीवा पापनी राम के बिना, जर जाए जीवा पापनी राम के बिना, ओ राम के बिना कल शाम के बिना, राम के बिना कल शाम के बिना, ओ राम के बिना कल शाम के बिना, जर जाए जीवा पापनी राम के बिना, जर जाए जीवा पापनी राम के बिना, जर जाए जीवा पापनी
नहीं तो वो घर भी बेकार है। और मोर का यूं बेकार नाचना है घनश्याम बिना। अगर घनश्याम के बिना मोर भी नाचता है ना तो उसको भी आनंद नहीं है। रक्षा बंधवाते हैं ब्राह्मण से, प्रभु प्रभु ब्राह्मण देवता हमें रक्षा बांध दीजिए। तो इसलिए हे प्रभु मेरी इस हाथ की रक्षा सदैव करना कि मेरा सदैव हाथ देने के लिए रहे, कभी मांगने के लिए न रहे। बोले गोविंद भगवान कि हाथ दान के बिना बेकार है, चिंतन और भाषण भी दोगे तो सार्थक हो जाएगा। बोले ठाकुर जी महाराज जी की मठ महंत के बिना, बहुत बड़ा मठ है, बहुत बड़ा मंदिर है, अगर वहां पर कोई महंत नहीं है तो वो मंदिर भी बेकार है, वो मठ भी बेकार है, मठाधीश का होना बड़ा जरूरी है। हस्ती दंत बिन, हाथी की शोभा जो है उसके दांत से है, अगर हाथी के दांत नहीं है तो गज किसी का काम करने का है। ग्राम पंच बिन, गांव जो है वो पंच बिन, अगर गांव को संभालने के लिए उचित व्यवस्था नहीं है, प्रधान पंच नहीं है, तो वो ग्राम भी बेकार है, क्योंकि कोई ना कोई तो व्यवस्था को संभालने वाला होना चाहिए। ऋतु बसंत बिना, और छह ऋतु में अगर बसंत ना आए तो सारी की सारी ऋतु बेकार है। संत त्याग के बिना कुछ नहीं है, अगर संत हो गया और इन्हीं गृहस्थ आश्रम में फंसा रहा, इन्हीं आसक्ति काम क्रोध लोभ मोह माया में फंसा रहा, तो संत का त्याग भी बेकार है। और गाना राग बिना, अगर राग साथ में ना हो तो गाना भी बेकार है, भले आप कितने भी सुर लीजिए। श्रृंगार सुहाग बिना, श्रृंगार सुहाग बिना, अगर सुहाग नहीं है तो सारा का सारा श्रृंगार व्यर्थ है। अगर सौभाग्य द्रव्य नहीं है तो सारा का सारा व्यर्थ है श्रृंगार, चाहे आप हजारों करोड़ों लाखों के गहने धारण कर लो। और शीश पाग बिना, शीश जो है वो पगड़ी के बिना अधूरा है। और पान भाग्य बिना, और सबकी जिंदगी बेकार है तो किसके लिए, किसके बिना? रघुवर राम के बिना। बोले राघवर राम भगवान की जय। और देखिए भजन काल जो है वो भजन को बड़ा सोच समझ के लिखता है, और इस भजन में तो उसने बड़ा कुछ समझा दिया। सब बेकार है, अगर नाम है, अगर आपके पास हरि नाम है तो वही एक सच है, तभी आपकी जीवा किसी काम की है। बड़ी सुंदर स्तुति भीष्म जी ने गोविंद की। भीष्म पितामह ने देह का त्याग किया और भगवान के परम पद को प्राप्त हो गए। सर्वे भवोऽवस्ते तूषिणी, पिता महा के महाप्राण के समय सब शांत हो गए, मानो सूर्य अस्त होते ही पक्षियों का करलक बंद हो गया हो, चारों तरफ मातम सा छा गया, शांत हो गया। और थोड़ी ही देर में तत्र दुंदुभयो ने दुर्देव मानव वादिता, अचानक से आकाश में दुंदुभियां बजने लगी। जैसे ही भीष्म पितामह ने प्राणों को त्यागा तो आकाश से दुंदुभियां शहनाई बजने लगी, ढोल नगाड़े बजने लगे, पितामह भीष्म के ऊपर सुमन पुष्पों की वृष्टि होने लगी। सारे जगत में पितामह भीष्म के सौभाग्य की सराहना की, पूरी जगत ने, केवल जगत ने ही नहीं, देवताओं ने भी सुमन पुष्पों की वृष्टि की भीष्म पितामह की देह पर। ऐसा अद्भुत चरित्र भीष्म पितामह का, इतने पूजनीय, इतने वंदनीय, परम शक्तिशाली देवव्रत पितामह भीष्म, जो प्रतिज्ञा एक बार जीवन में कर ली उस प्रतिज्ञा पर अटल रहे, जीवन में कभी उसका त्याग नहीं किया किसी भी कारणवश।
और मांगा भी तो प्रभु से क्या मांगा था, देखिए देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। मांगा भी केवल एक ही चीज कि भगवान देहांत काले जब मेरी देह का अंत हो तब केवल आप ही मेरे समक्ष हो, मुस्कुराते और बंसी बजाते। भीष्म पितामह देखिए ऐसी सुंदर छवि मेरे गोविंद की, द्वारकाधीश प्रभु पांडवों के शोक का पितामह भीष्म के द्वारा निराकरण करवा करके अपने प्रिय भक्त भीष्म का अंतिम मनोरथ पूर्ण करते हुए पांडवों से द्वारका जाने की अनुमति प्राप्त की। भगवान द्वारका चले गए। यदुवंश के संहार का जब पूरा प्रसंग अर्जुन ने विस्तार पूर्वक सुनाया तो कुंती मैया ने जब से सुना कि गोविंद भी लीला स्मरण करके परधाम को चले गए हैं तो तुरंत गोविंद के चरणों का चिंतन करते हुए ध्यानस्थ होकर के एक क्षण में कुंती मैया ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। जिस प्रकार से भीष्म स्वेच्छा से प्राण त्याग गया लेकिन उन्होंने गोविंद के चिंतन में ही प्राणों को त्याग दिया और राजा दशरथ ने प्रभु राम के वियोग में अपने प्राणों को त्याग दिया। बोले राधे कृष्ण। और ऐसी मां कुंती जिन्होंने कृष्ण भगवान के लिए अपने देह का त्याग करा दिया, जिन्हें प्रभु के वियोग को क्षण भर भी सहा नहीं गया, सिर्फ सुनते ही जिन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया। जैसे ही अर्जुन से पता लगा कि भगवान कृष्ण जो हैं वो परधाम को चले गए हैं तो कुंती ने अपने देह को तुरंत वहीं का वहीं त्याग दिया। पांडव भी तुरंत द्रौपदी जी को साथ लेकर के परीक्षित जी को सत्ता का भार संभाल कर स्वर्गारोहण करते हिमालय यात्रा करते करते उनके पीछे पड़ा हुआ है और दोनों अपने सुख दुख की बातें एक दूसरे को सुना रहे हैं। बछड़ा कहता है कि माँ शायद आप इसलिए रो रही हो कि मेरे तीन पैर टूट गए हैं, या तो इसलिए रो रही हो कि प्रभु हमें छोड़कर चले गए। इन दोनों के संवाद को परीक्षित ने सुना और परीक्षित ने जैसे ही सुना परीक्षित जी के क्रोध से नेत्र लाल हो गए। कि मेरे होते हुए मेरी प्रजा दुखी हो तो परीक्षित ने उनकी आंखों से अंगारे बरसने लगे। मुझे परीक्षित के राज्य में गौ माता पर इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, मेरे राज्य में गौ माता पर इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, ये है कौन कि जिन गायों की रक्षा के लिए मेरे प्रभु गोपाल बनकर के वन वन विचरण करते थे उनके परमधाम जाते ही मेरी गायों को कौन परेशान कर रहा है, कौन दुखी कर रहा है, कौन पीड़ा पहुंचा रहा है। प्रभु का नाम ही जिन गायों के द्वारा गोविंद और गोपाल पड़ा उन्हीं की गायों पर अत्याचार होने लगा। हाथ में तलवार लेकर के महाराज परीक्षित दौड़ पड़े कि हे गौ माता अब आपको रोने की आवश्यकता नहीं है, प्रभु परम धाम गए तो क्या हुआ, अभी परीक्षित जीवित है। मारो क्रुद्ध हुए महाराज परीक्षित जैसे ही आगे बढ़े उस दुष्ट को दंड देना चाहते थे। दीनवत शरणं गतः तो वो दुष्ट दीनवत होकर के परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा, मुकुट उतार करके चरणों में गिरा दिया। त्राहि मां त्राहि मां, महाराज रक्षा करें, मुझे क्षमा करें, शरणागत की रक्षा करना क्षत्रिय धर्म होता है और आप तो राजा हैं, मैं आपकी शरणागति में आया हूं, आप साधारण गाय के बछड़े तो हो नहीं,